हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं एक सेलिब्रेशन देखने। यहाँ पे रशिया में एक फेमस सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वॉर के बाद, उसको बोलते हैं देन पोबेदी करके, जो विक्ट्री डे बोलते हैं इंग्लिश में। तो वही हम लोग आज देखने जा रहे हैं। वहाँ पे शायद आज इंडिपेंडेंस डे के जैसे पैरेड वगैरह होगा और नाच गाना भी होगा मे बी। तो अभी वही देखने जा रहे हैं और आप लोगों को भी दिखा दूंगी कि कैसा सेलिब्रेट होता है देन पोबेदी। तो देखते रहिए मेरा वीडियो। तो गाइस, आप लोग आज देख पा रहे हो कि मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी सारे लोग बाहर निकले हैं। शायद वो लोग भी सेलिब्रेशन देखने ही जा रहे होंगे। और यहाँ पे लोगों ने किसी ने भी मास्क नहीं लगाया, क्योंकि रशिया में लगभग कोरोना वायरस ख़त्म हो गया है और बहुत सारे लोगों ने भी यहाँ पे वैक्सीन ले ली है। तो उन लोगों को कोरोना वायरस पकड़ने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। तो गाइस, आप लोग देख पा रहे हो कि वो सोल्जर के मोनूमेंट है और यहाँ पे पार्क में बहुत सारे रशियन फ्लैग भी लगाए गए हैं। मैं वहाँ पे जाके आप लोगों को दिखा दूँगी कि कैसे सेलिब्रेट होता है, और साथ ही में हम लोग शायद एक और बस में भी जाएंगे और वहाँ पे भी आप लोगों को दिखा दूँगी कि कैसे सेलिब्रेट होता है और परेड वगैरह कैसे चलते हैं। तो वर्ल्ड वार टू के बारे में पता होगा, वो बहुत बड़ा वर्ल्ड वार था, सेकेंड वर्ल्ड वार। और उसमें जो एक्सिस पावर थे वो थे जर्मनी, इटली एंड जापान। और जो एलाइज थे वो थे फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन। और थोड़ा सा प्लेस चाइना का भी था उसमें, थोड़ा सा हाथ चाइना का भी था उसमें। और उस टाइम पे वो वर्ल्ड वार टू जो एलाइज पार्टी थे उन लोगों ने जीता था। और वहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स की डेथ भी हो गई थी, तो इसी वजह से ये देन पोबेदी मनाया जाता है। और इस टाइम पे बहुत सारे कंट्रियों पे 9 मई जो है ये देन पोबेदी वो भी मनाया जाता है वहाँ पे भी। तो वहाँ पे पता नहीं है मुझे कि कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, फिर भी रशिया का मैं यहाँ का दिखा रही हूँ। ये मॉस्को में बहुत ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन अभी मैं मॉस्को नहीं जा पाई तो यहाँ पे ही मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पे कैसे मनाया जाता है। गाइस, आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारे फूल, रेड रोजेस और मोमबत्तियाँ लगाए गए हैं जो डेथ सोल्जर है उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए। और बहुत सारे जो रिलेटिव्स वगैरह हैं वो लोग आए हैं यहाँ पे फूल देके उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए। रशिया में लगभग 6 मिलियन सोल्जर्स की डेथ हो गई थी, तो ये बहुत ही बड़ा लॉस था उन लोगों के लिए। वहाँ इटर्नल फ्लेम में भी बहुत सारे लोगों ने रोजेस और मोमबत्तियाँ जलाए हैं, और उन लोगों के रिलेटिव्स वगैरह भी आए हैं जिन लोगों की मतलब दादा परदादा वहाँ पे डेथ हो गए थे वहाँ पे। तो उन लोगों के श्रद्धांजलि देने के लिए, उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं यहाँ पे सारे।
आ जा। तो गाइस यहाँ पे शायद उन लोगों के फैमिली का कोई डेथ हो गए थे वॉर वॉर में, तो उसी के स्मृति में जला रहे हैं ये लोग। और यहाँ पे सारे फूल भी है और यहाँ पे क्रेडिट सारे दिन भर ऐसे बैठे रहेंगे। गाइस ये देखिए एक छोटा सा ट्रेन बच्चों वाला सबको घुमा रहे हैं एंजॉयमेंट के लिए। यहाँ पे 100 रुपये लगते हैं बैठने के लिए, तो हम लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया। वैसे कभी शायद करूँगी तो दिखा दूँगी कैसा लगता है, बोल ही दूँगी। तो अब हम शॉर्टकट लेके जा रहे हैं वो परेड देखने के लिए। एक और बस में होगा, यहाँ से एक और बस तक बहुत कम टाइम लगता है जाने के लिए, तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। वैसे यहाँ से रास्ता है, हम लोग पहुँच चुके हैं एक और बस के पास और आप लोगों को दिखा दूँगी वहाँ पे कैसा कैसा होता है। इधर बहुत सारे सिक्योरिटी चेक पोस्ट लगाए गए हैं, उधर के सामने भी लगाए हैं शायद, तो अभी के लिए मैं रख देती हूँ मोबाइल अपना। तो गाइस अब हम लोग पहुँच चुके हैं कॉर्पस में। ये देखिए इतने सारे भीड़ जमा हुआ है और शायद परेड भी चल रहा है वहाँ पे। चल रहा है क्या? चलो जल्दी रुकते थे ऐसे गौर। कुछ नहीं दिखा दे रहा है यहाँ से, सच में यार कुछ नहीं दिखा दे रहा है। अभी जाना पड़ेगा दूसरी तरफ से, चल चलते हैं। Oh!
पैरेड खत्म हो चुका है और अभी कॉन्सर्ट स्टार्ट होगा, तो हम वही एक कॉर्पस के पास देखने जा रहे हैं।
के डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ही। तो अभी शाम हो चुका है और यही तक था बस आज का वीडियो, और आज का सेलिब्रेशन भी इतना ही था। आगे दिखाऊंगी कभी सेलिब्रेशन हुआ तो। Этот род войск называли царицей полей. Вот ты ж супер, ну-ка. Пехота, с другой стороны прям что-то так снайпер. Все метки стрелки здесь собрались, не знаю. Какая военная техника. নতুন কেইখন ওলাইছে ছাৰ? না, আগতেহে আছিল। চলা যা। आज का वीडियो बस इतना तक ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो, सेलिब्रेशन भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। बाय बाय।